हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके कान मास्टर में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे कान मास्टर में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि मेरे कान मास्टर में लिखा रहा है एन एरर अकर्ड वाइल एक्सपोर्टिंग, प्लीज ट्राई अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा और फ्रेंड्स आपकी इस वीडियो से 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कान मास्टर में ये प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में अपनी प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने यहाँ पर कान मास्टर को ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है ये। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं कान मास्टर यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने काइन मास्टर यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो आपको दिखाता हूँ ये वीडियो मैंने फ्रेंड्स ही एडिट करी थी है और मैं जैसे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये भी देखो, आप खुद देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से ये मैंने एडिट करी थी है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने काइन मास्टर में कोई सी वीडियो को भी एडिट करते हैं और आपके सामने ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको बताता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊँगा। स्क्रीन सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, एक नई वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो ले ली है, ये छोटी वीडियो जल्दी एक्सपोर्ट हो गई है। देखो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैं इसको ऐड कर ली और वीडियो यहाँ पर देखो, मैं आप देख सकते हैं मेरी 7 मिनट की ये वीडियो है। ये मैं यहाँ पर आपको फ्रेंड देखो एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पहले तो ये एक्सपोर्ट हो रही है। ये हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी ना आएगी। पहले ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, देखो अब मेरे में ये प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू में आ गई है। फ्रेंड्स आप देखोगे ये प्रॉब्लम मेरे देखो शुरू में आ गई है अब, और मेरे यहाँ पर लिखा आ गया है एन एरर अकर्ड वाइल एक्सपोर्टिंग, प्लीज ट्राई अगेन, और नीचे लिखा आ गया है कोडेक इनिट फेल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपके में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप फ्रेंड्स के लिए हम दोबारा से अपने काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन करते हैं। आप देखिए, मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपने काइन मास्टर को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स आप देख लेंगे यहाँ पर आपके सामने एक सेटिंग यहाँ पर ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेता हूँ सेटिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने सेटिंग पे क्लिक कर लिया। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके सबसे नीचे आ रही होगा फ्रेंड्स एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपको आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे यहाँ पे लिख रहा होगा अलाउ एक्सपर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 FPS। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो इसको इनेबल करना है। इसके ठीक नीचे दिख रहा होगा अलाउ इनपुट फ्रेम रेट अप टू 240 FPS, इसको इनेबल करना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को यहाँ पे इनेबल कर लिया है और आपको एक सबसे नीचे मिल गया होगा फ्रेंड्स अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, आपको इसको भी इनेबल करना है। जैसे फ्रेंड्स को आप इनेबल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। जैसे इसको बैक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर को करना है, आप ऊपर स्क्रॉल करना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखो ऊपर स्क्रॉल कर लिया है, और जैसे ही आपको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया होगा डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देंगी, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ पे लिख दिया रन एनालिसिस नाउ, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे क्लिक करें फ्रेंड्स, आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है रन एनालिसिस नाउ। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना टाइमर लगा देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगी कि मुझे यहाँ पे कितना टाइम लगा है। कुछ यहाँ पे लोडिंग है, यहाँ पे ये लोडिंग होने चालू हो जाएगी। और मैं यहाँ पे देखो वीडियो यहाँ पे फास्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर लिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइम कितनी तेज चल जाएगी, अब इससे पता चल जाएगी कि आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे ख़राब नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर लिया है जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे देखो यहाँ पे इतना टाइम लगा है। फ्रेंड्स इतना ही आपके में टाइम लगेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये कम हो सकता है।
अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखो, मैं बैक आके मैं यहाँ से कोई सी वीडियो लेता हूँ और देखता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई या नहीं हुई है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं 16:9 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से कोई सी वीडियो लेता हूँ। पहले मैं देखो, मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ पहले। देखो फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो ले ली है, अब मैं देखूँगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो मेरी एक्सपोर्ट होगी नहीं होगी। पहले यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में कर लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करके देखता हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे फ्रेंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करके फ्रेंड देखो यहाँ पे मेरी वीडियो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट होने चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने पूरी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा कि मेरे में अभी बीच में तो नहीं आती ये प्रॉब्लम। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अभी देखो टाइमर लगा देता हूँ, जिससे कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। और देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टाइम लगा दिया, अब मेरे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, जिससे कि आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स मेरी पूरी यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, और मैं यहाँ पे देखो आप खुद देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरे कितना टाइम लगा यहाँ पर फ्रेंड। इस तरीके से ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई हो, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है। फ्रेंड इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले देखिए मैं सेटिंग में जाता हूँ और नीचे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऐप्स लिख जाओगे फ्रेंड्स, आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे टाइम मास्टर मिलेगा, आपको इस पर टाइम मास्टर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो आपको सामने देखो एक और स्टॉप पे यहाँ पर ऑप्शन मिल गया होगा, आपको सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर डाटा और क्लियर कैसे करना है। फ्रेंड जैसे आप क्लियर कैसे क्लियर डाटा कर देंगे, तो आपके यहाँ पर टाइम मास्टर बिल्कुल न्यू हो जाएगा, जैसे कि आपने डाउनलोड करा हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली कंडीशन जब भी फॉलो करें फ्रेंड्स, जब आपकी प्रॉब्लम उस स्टेप से ठीक नहीं हो। फ्रेंड्स अगर आपकी प्रॉब्लम उस स्टेप से ठीक हो जाए, तो आप ये वाले कंडीशन फॉलो नहीं करें। अगर फ्रेंड्स अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।